रेखा, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ आंवले की खट्टी मीठी गोली, जो कि बहुत ही पाचक है, जिसे हम आंवले का गटागट भी बोल सकते हैं, की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने आपके साथ आंवले के गटागट की रेसिपी शेयर की है, परंतु उसमें हमें 2-1 दिन का टाइम लगता है। आज मैं आपको इंस्टेंट तुरंत बनने वाला आंवले का गटागट बता रही हूँ। इसके लिए मैंने 300 ग्राम आंवले लिए हैं। आप देख रहे होंगे थोड़े बड़े साइज के चमकते हुए आंवले लिए हैं, पके हुए, ये कसैले कम होते हैं। 300 ग्राम आंवले लिए हैं। 200 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। आज मैं आपको आंवले का गटागट गुड़ से बता रही हूँ और झटपट तैयार होने वाला गटागट बता रही हूँ। इसके अलावा 1 बड़े चम्मच मैंने काला नमक लिया है, 10-12 मैंने काली मिर्ची ली है, ब्लैक पेपर लिया है, 1 छोटी चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, क्योंकि ये बहुत ही पाचक मैं आपको गोली बता रही हूँ, इसलिए अजवाइन का भी यूज करेंगे। 1 लेमन का जूस डालेंगे। इसके अलावा इसे खुशबूदार बनाने के लिए हम हींग का यूज करेंगे। और इस गोलियों को रोल करने के लिए मैंने पिसी हुई शक्कर ली है, वो हम यूज करेंगे। 1 छोटे चम्मच हम सादा नमक डालेंगे और 1 छोटी चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इंस्टेंट आंवले का गटागट बनाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम आंवले को काट लेंगे। आप किसी भी शेप में आंवले की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने जो 300 ग्राम आंवले लिए हैं सभी को हम काट लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें पीसना है, ग्राइंड। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी आंवले को मैंने काट दिया है इस तरह से। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे, बिना पानी डाले हुए ही हमें इसे पीसना है। बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, आराम से ये आंवले पिसा जाएंगे। फ्रेंड्स, पीसते समय ये जो काली मिर्ची है वो भी इसमें ऐड कर दें, ताकि काली मिर्ची भी बहुत अच्छे से पिस जाए। अजवाइन तो हम ऐसे खड़ी भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आंवले जो मैंने अभी ग्राइंड किए हैं बहुत ही आराम से पिसा गए हैं। ये हमें पीसने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आंवले में बहुत ज़्यादा जूस होता है। अब इसे हम 5 मिनट तक के पकाएंगे, ताकि ये पक जाए अच्छे से। अब 1-2 मिनट इसे पका लें, उसके बाद हम इसमें गुड़, ये देखिए गुड़ ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारे आंवले की गटागट खट्टी मीठी बने। गुड़ की अभी चाशनी हो जाएगी, 2 मिनट में गुड़ हमारा मेल्ट हो जाएगा। और इसे अब हमें गुड़ के साथ पकाना है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है आंवले और गुड़ की गटागट, और बहुत ही पाचक होती है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती है। अब इसे हमें 1-2 बार हिलाना है। अब इसमें हम 1 छोटे चम्मच अजवाइन डाल रहे हैं, ताकि हमारी आंवले की गटागट बहुत ही अच्छी, बहुत ही पाचक हो। 1 बड़े चम्मच भर के मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, काले नमक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है आंवले की गटागट में। इसके अलावा हम सादा नमक है, सादा नमक बहुत कम डालेंगे, क्योंकि मैंने काला नमक डाला है। सिर्फ 1/2 छोटी चम्मच मैंने सादा नमक डाला है। लाल मिर्ची भी हम 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे, क्योंकि मैंने काली मिर्ची का यूज़ किया है। 10 से 12 मैंने इसमें काली मिर्ची ली है। इसके अलावा 1/2 चम्मच भर के मैं इसमें हींग डाल रही हूँ। हींग से इस गोली का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है गुड़ और आंवले की ये गटागट। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम 1 लेमन जूस डालेंगे, ताकि खट्टी मीठी लगे। गुड़ का यूज़ तो हमने किया है, जितना आंवले का पेस्ट है उतना ही मैंने गुड़ डाला है। और इसके अलावा मैं नींबू का रस भी डाल रही हूँ, और भी ज़्यादा ये पाचक हो जाएगी, डाइजेस्टिव गोली बनकर हमारी तैयार होएगी। और इसे थोड़ा सा और सूखा करें, ताकि हमें गोली बनाने में बहुत आसानी हो। इसे अभी 1-2 मिनट और पकाएं, ताकि बिल्कुल भी इसका इसमें मॉइस्चर ना रहे। ये देखें फ्रेंड्स, आंवले की गटागट की गटागट का ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसे हमें पकाने की जरूरत नहीं है। इसे पकने में 5 से 7 मिनट लगे हैं। अब हम गैस बंद करते हैं, और जब यह मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तब हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे। ये देखें आंवले का ये मिक्सचर, जो आंवले की गटागट हम बना रहे हैं, इसका मिक्सचर अब ठंडा हो चुका है। अब इसको हम हाथों की मदद से इस तरह से छोटे छोटे से पोर्शन लेंगे इसका, और छोटे छोटे से गोले बनाएंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से ये गोले बन रहे हैं। ये ठंडा हो गया है तो थोड़ा सॉलिड भी हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, इसे सॉफ्ट ही रखना। आप देख रहे होंगे इस तरह से, जैसे हमारी गटागट होती है, जैसे हमारी गटागट होती है, ये देखिए इस तरह से, और उसी तरह से ये सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम सभी बॉल्स बनाकर रखते जाएंगे, फिर इसे हम पिसी हुई शक्कर में रोल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से एक बॉल्स और बना के बता रही हूँ मैं आपको, बहुत ही आसानी से। आप चाहें तो अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा शेप ले सकते हैं। अभी मैं आपको
ये देखे फ्रेंड्स, मैंने सभी गोलियां बना ली हैं। बहुत ही आसानी से ये गोलियां बन जाती हैं, हमें बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। ये देखिए आप कितनी सॉफ्ट है, आप अपना शेप अपने अनुसार ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी छोटी कर लीजिए। अब ये शुगर पाउडर, ये देखिए ये शुगर पाउडर है, घर में पिसी हुई शक्कर है। इसमें मैं एक एक आंवले की जो गट्टागट है ये इस तरह से मैं रोल करूंगी, और रोल करके हम एक अलग प्लेट में इसे रखते जाएं। ये देखिए शक्कर में मैं इस तरह से इसे रोल कर रही हूँ, जिस तरह से गट्टागट होती है हमारी। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही पौष्टिक होती है। आप इसे बना के साल भर तक के इस आंवले की गट्टागट को रख सकते हैं। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी हमने पानी का यूज नहीं किया है, ना ही हमने इसे उबाला है। इस तरह से मैं सभी बॉल्स बना के रखूंगी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।